नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। भानु कॉन्स्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। एमडीएम का पैसा अवैध तरीके से किया गया ट्रांसफर। मिड डे मील के खाते में 100 करोड़ रुपए भानु कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। भानु कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर संजय तिवारी से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जालसाजी उजागर होने के बाद भानु कॉन्स्ट्रक्शन ने पहले अपने कर्मचारियों को हटाया। अरगोड़ा के पास वसुंधरा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1008 पर शिवदयाल नगर के बसंत रेजिडेंसी पर छापा मारा गया है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को भानु कॉन्स्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापा मारा। सुनियोजित साजिश के तहत हटिया एसबीआई के मिड डे मील खाते से 100 करोड़ रुपए भानु कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। इस दौरान गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही भानु कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर संजय तिवारी से अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने सोमवार की सुबह अरगोड़ा के पास वसुंधरा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1008 पर शिवदयाल नगर के बसंत रेजिडेंसी पर छापा मारा। इन दोनों स्थानों से भानु कॉन्स्ट्रक्शन का काम चलता था। हालांकि वसुंधरा अपार्टमेंट के 10वें तल्ले पर स्थित फ्लैट नंबर 1008 में भानु कॉन्स्ट्रक्शन का कार्यालय हुआ करता था। जालसाजी उजागर होने के बाद भानु कॉन्स्ट्रक्शन ने पहले अपने कर्मचारियों को हटाया, उसके बाद कार्यालय ही बंद कर दिया। इसी फ्लैट में भानु कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी का पार्टनर संजय तिवारी रहता भी था। ईडी के अधिकारियों को इस फ्लैट तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। संजय तिवारी ने खुद को जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर रखने के लिए अपना सुरक्षा घेरा बना रखा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राज्य सरकार ने मिड डे मील का पैसा विभिन्न जिलों को भेजने के लिए हटिया स्थित एसबीआई में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के नाम से खाता खोला है। राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2017 को 120.31 करोड़ रुपए इस खाते में जमा कराए हैं। साथ ही इसमें 100 करोड़ 1 लाख रुपए मध्याह्न भोजन मद में दूसरे जिलों में आरटीजीएस के सहारे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के आलोक में बैंक ने 100 करोड़ 1 लाख रुपए आरटीजीएस के सहारे ट्रांसफर किए, लेकिन ट्रांसफर फेल हो गया। वो पूरा पैसा बैंक के सस्पेंस अकाउंट में लौट आया। इसके बाद बैंक के तत्कालीन उपप्रबंधक अजय उराव ने साजिश के तहत 100 करोड़ 1 लाख रुपए को भानु कॉन्स्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर कर इसके बाद राज्य सरकार की जाँच शुरू कर दी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।